नमस्कार दोस्तों, लास्ट लैक्चर दे विच आपां की कीता सी, सिलेंडर दी सतह दे खेत्रफल ते गल कीती सी, बेलन दी पासवीं सतह, कुल सतह या वक्र सतह ते आपां गल्लां कीतियां सी। उसे ते अगे चलदे होए आपां अज गल करनी है नैक्सट टॉपिक सिलेंडर दा, जो नैक्सट माप है सिलेंडर दे आयतन दी या घनफल दी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ते गल करनी है। वॉल्यूम आप ऑलरेडी कर चुके हैं कनाल दे केस, आयतन की होंगे, घनफल की होंगे, कपैसिटी। नॉर्मल अपने जिहड़े ग्लास ने, मैं एक एग्जाम्पल लैंदा, ग्लास अपने ज़्यादातर बेलन की शेप दे विच होंदे, सिलेंडर की शेप दे विच होंदे है ज़्यादातर। और जिहड़ा ग्लास है, चाह है, दुध है, कोई भी लिक्विड आप पाने हाँ, वह असल दे विच की है, आयतन है। आपां पिलरां की गल करते हैं, थम्मां की गल करते हैं, अपने घर पिलर खड़े होंदे ने, स्कूल दे विच देखो, स्कूल की बिल्डिंग दे चारे पासे पिलर खड़े है। हुण जिहड़ा पिलर ते रंग होंदा चारे पासे, उह तां हो गई सतह का खेत्रफल, जिहड़ा उहदे विच सीमेंट, बजरी, सरिया, कंक्रीट जिहनूं आपां कहिंदे आ भरिया जांदा है, उहदा की हो गया, आयतन हो गया। तां अज आपां उस ते गल करनी है सिलेंडर की। हुण जो सिलेंडर या बेलन का आयतन है, देखो वह की होया, जदों आपां पासवीं सतह ते गल कर रहे सी, वकर सतह की गल कर रहे सी, मैं तुहानूं कहा सी कि एक्टिविटी के एक जमीन ते चक्कर बनाओ, उहदे आले दुआले खड़े हो जाओ, इस अकॉर्डिंग आपां खड़े हो जांदे सी तां उह वकर सतह बनदी सी। हुण आयतन की है, जिवें आपां परत पाने आ, आपां खेतां दे विच परत पाने आ, घरां दे विच परत पाने आ, स्कूल च आपां ग्राउंड दे लैवल उच्चा करन लई देखो परत पाने आ, तां इक चक्कर करके आपां उहदे उत्ते परत पानी शुरू करदी। जिवें आपां जो पिलर बनाने आ, चक्कर के विच उत्ते उपा कंक्रीट खड़ी करनी शुरू कर दिंदे आ, तां की कर रहे आ आपां, इस हिस्से नूं उचाई दे रहे आ, आ हिस्सा असल च की हो गया इहदा खेत्रफल, बचालड़ा हिस्सा खेत्रफल हुंदा ना, तां की कीता आपां, जदों आपां खेत्रफल नूं उचाई दित्ती, चक्कर दे खेत्रफल नूं आपां उचाई देती, उह आपणे कोले सिलेंडर दा आयतन बन गया। ते चक्कर या आधार दा खेत्रफल की हुंदा है, पाई आर दी दो, उचाई नूं आपां की लैके चलदे आ, एच। तां सिलेंडर या बेलन दा आयतन या घनफल की हो गया, पाई आर दी दो, चक्कर दा खेत्रफल, आधार दा खेत्रफल गुणा उचाई। हुण आपां इहदे क्वेश्चन ते गल करनी है कि इहनूं आपां उहदी प्रैक्टिकल लाइफ किवें यूज कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण तो लैके चलदा, किसे मंदर दे थम, थंब का मतलब की हो गया पिलर, बेलनाकार हैं, डायमेंशन देती हैं, जेकर हरेक थंब का अर्धव्यास 20 सेंटीमीटर, जेकर हरेक थंब का अर्धव्यास 20 सेंटीमीटर अते उचाई उचाई 10 मीटर होवे, तां अजिहे 14 थम्मां नूं बनाउण लई, तां अजिहे 14 थम्मां नूं बनाउण लई किन्ने कंक्रीट मिश्रण दी लोड़ है। आपां दित्ता होया, तां देखो डायमेंशनज आपां नूं की इत्थे दित्तियां होईयां है, आपां उस ते गल करनी है। सब तो पहला की देता, अर्धव्यास 20 सेंटीमीटर, आर 20 सेंटीमीटर, उचाई 10 मीटर, आ सेंटीमीटर है, आ मीटर, किते भी होर गल नहीं की। नहीं तो आप देखते होंगे आपको की चाहिए रेट के हिसाब से, वर्ग मीटर चाहिए कि सेंटीमीटर, उरे कुछ भी मैनशन नहीं किया हो, अपनी मर्जी है। आप दोहां हुण मीटर च भी बदल सकते हैं, आप दोहां नूं सेंटीमीटर च भी बदल सकते हैं, तो यह अपनी मर्जी है। हुण इत्थे फिर आप करांगे, आप इहनूं मीटर च बदल दिंदे हां, 100 मीटर। ठीक, इत्थे एक चीज़ मैनशन है,
23.14 मैं उन्हें मेंशन कर रहा जान के क्वेश्चन के क्योंकि हूं तक आप जिन्हें भी क्वेश्चन किए लास्ट लैक्चर आप 22/7 की गल की है इतने आप मेंशन कर रहे हैं कि जो मान लो पाई का 3.14 आ गया हूँ कंक्रीट चाहिए एक थंब लग्या कंक्रीट की होंगे हो जो कंक्रीट की आप हमने गल करके हटे वह हो गया उस थंब का घनफल या आयतन एक किस शेप च है बेलनाकार पाई आर दी 2h पाई आप मैंशन किया हो 3.14 या दशमलव हटाया 314/100 आर की घात 2 का मतलब आर 2 बार 1 0 1 0 कट गई 2/10 2/10 क्योंकि उसे 2 घात है 2 घात का मतलब 2 बार गुना एच आ गया 10 इनू हल करते हैं 1 0 1 0 होर कटना कट दियो सीधा भी कर सकते हैं 314 की 2 × 4 गुना की 1256/1000 घन मीटर घन मीटर क्यों है क्योंकि यह आयतन आ गया देखो 2 बार यदि गुना होगी 1 बार यदि गुना होगी मीटर की 3 बार गुना होगी इन्ने घन मीटर आ गया हूँ अपने को किन्ने थंब ने इत्थे किन्ने थंब ने देखो 14 थंब ने एक थंब का किन्ना आ गया 1256/1000 14 थम्मां दा आयतन 1256/1000 गुना 14 हुण देखो उही गल फिर इत्थे 14 दा अगर तुहानूं पहाड़ा आंदा है तां तुसीं डायरैक्ट गुना कर सकदे हो किवें 14 छी के 84 4 8 बच गए 14 5 70 ते 8 78 7 बच गए 14 दूनी 28 ते 7 35 5 3 बच गए 14 एकम 14 ते 3 17 1000 दशमलव लगाया पिछों 3 संख्यावां छड़तियां तां इहदा मतलब जिन्ना कंक्रीट लगना है वह किन्ना लगना है 17.584 इन्ना कंक्रीट आपां नूं उस मंदिर दे 14 थम्मां दे लई चाहिए देखो क्वेश्चन कुछ नहीं सिर्फ उन्होंने कंक्रीट की गल की सी अगर वह रंग की गल करते तो शायद आप करते आप रंग के हिसाब न चलते अगले क्वेश्चन से आप चलते हाँ अगला क्वेश्चन है एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 पैकिंग उपलब्ध है एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 पैकिंग उपलब्ध है केड़ी केड़ी पैकिंग एक पैकिंग तो होगी लंबाई 5 सेंटीमीटर चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले आयताकार टीन दे डब्बे वाले आयताकार टीन दा डब्बा देखो आपां नूं एक डायमेंशन देती एक माप देता उधर टीन दा डब्बा देता जिसकी ऊंचाई नाल देती 15 सेंटीमीटर है एक पैकिंग तो आपां नूं ए देती दूसरी की देती व्यास 7 सेंटीमीटर वाले चक्री आधार अते 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले देखो फर्क उत्थे आयताकार मेंशन किया होया इत्थे कहिंदे चक्राकार चक्री आधार देता वाले प्लास्टिक दे एक बेलनाकार डब्बे च एक आपां नूं आ मेंशन करता कि बेलनाकार दे डब्बे च है हुण क्वेश्चन है किस दी समर्था अधिक है आपां नूं आ पुछिया समर्था मतलब कपैसिटी कपैसिटी का मतलब वॉल्यूम पहला तो यह देखो पहले कि साइज है की सॉलिड है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आयताकार देता आयताकार ऊंचाई देती तो यह मतलब पहला किड़ी शेप च हो गया कनाव की शेप च हो गया कनाव की समर्था या कनाव का आयतन की फॉर्मूला है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई लंबाई 5 चौड़ाई 4 ऊंचाई 15 5 चौका 20
गुना की 300 घन सेंटीमीटर। ये आ गई अपने को कनाव का आयतन। दूसरा अपन की कहा बेलनाकार, तो फिर बेलनाकार का आयतन की फॉर्मूला से आप हूनी गल करके हटे हाँ, पाई आर दी दो एच, यही फॉर्मूला से पाई बाई वटे सत्त, आर दो बार है कितने है आ की व्यास, इतने आपू व्यास दिता हुआ है। देखो फॉर्मूला दसो की चाहिए, व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो जे व्यास 7 सेंटीमीटर है अर्धव्यास कि हो गया 7/2, आर किन्ने बार है इतने 2 बार, तो 7/2 किन्ने बार आ गया 2 बार। उचाई कि इतने 10, उचाई कि 10 हल कर दें, 7 नाल 7 2 एकम 2 11 दूना पाई, 11 7 77 पिछे 0/2 35, ये आ गया 385। हाँ जी कनाव की इन्नी आ रही है, सिलेंडर आकार की 385 आ रही है, कि अधिक है बेलन की। अगर क्वेश्चन आ गया किन्नी अधिक है, आप दोहानू घटा देंगे, दोहानू घटा करके अपने को कितना आंसर आ जूगा 85 घन सेंटीमीटर। नैक्सट क्वेश्चन से आप चलते हैं, हूँ जो जो क्वेश्चन लिखा होया हिसाब न क्वेश्चन स्टार्ट करो, तो जो जो रिक्वायरमेंट है वो अकॉर्डिंग उन्होंने मोल्ड करी चलो। नैक्सट क्वेश्चन है अपना, एक हॉस्पिटल विच, एक हस्पताल विच एक रोगी नू, एक रोगी नू 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे विच वाले एक बेलनाकार कटोरे विच सूप दिता जांदा है, सूप दिता जांदा है, जे सूप, देखो अपन डायमेंशन देती 7 सेंटीमीटर व्यास, जे सूप कटोरे विच 4 सेंटीमीटर तक भरिया है, जे सूप कटोरे विच 4 सेंटीमीटर तक भरिया है, तो हरेक दिन हस्पताल विच 250 रोगियों नू किन्ना सूप दिता जाता है या तैयार किया जाता है। ये अपने को क्वेश्चन आ गया, तो अपने को क्वेश्चन है, क्लियर मैंशन करता कि जो सूप का कटोरा है वह बेलनाकार है, जिदा व्यास देता देखो आपां 7 सेंटीमीटर, अर्धव्यास 7/2 अद्धा हो गया, तो किन्ने उचाई तक भरया गया 4 सेंटीमीटर उचाई तक सूप भरया गया, तो हम एक रोगी नूं एक कटोरा दिता गया, ठीक, तो एक कटोरे का आयतन या जिन्ना आपां सूप दिता जा रहा उत्थे रोगी नूं पाई आर दी 2h, पाई 22/7, आर 7/2 है किन्ने बार है 2 बार, उचाई किन्नी है 4, 7 नाल 7 कट गया, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2 2 एकम 2 22 7 154 घन सेंटीमीटर। तो यह मतलब एक रोगी नू एक कटोरा दिता जाता है, तो यह मतलब एक रोगी नू इन्ना सूप दिता जाता है 154 घन सेंटीमीटर, ते किन्ने रोगी ने हस्पताल दे विच 250, ता 250 रोगी लिख दो या कटोरे, क्योंकि हरेक नूं की कटोरा मिल रहा है, रोगियों लई सूप दी मात्रा 250 गुना 154। हुण देखो गुना जे करनी है जीरो छड़ दो, 25 दा पहाड़ा जे आंदा है, 25 चौका 100 जीरो 10, 25 5 125 ते 10 135 5 13, 25 1 25 25 13 38, 3850 10 आ लागी, तो 38,500 घन सेंटीमीटर सूप है जिहड़ा डेली उस हॉस्पिटल दे विच पेशेंट्स नू
ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਦਾ ਹੈ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ, ਉਚਾਈ 1 ਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੇਲਨਾਕਾਰ ਬਰਤਨ ਦੀ ਜੋ ਸਮਰੱਥ ਹੈ 15.4 ਲੀਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਚਾਦਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਚਾਈ 1 ਮੀਟਰ, ਬੇਲਨਾਕਾਰ ਬਰਤਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਇਤਨ, 15.4 ਲੀਟਰ। ਇੱਥੇ ਲੀਟਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੀਟਰ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਯਾਦ ਹੈ ਕੁਛ? 1 ਘਨ ਮੀਟਰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ? 1000 ਲੀਟਰ ਦੇ। ਕੁਛ ਯਾਦ ਆਇਆ? ਠੀਕ, ਹੁਣ ਲੀਟਰ ਹੈ ਉਲਟਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, 1000 ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 1000, 1 ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਦਸ਼ਮਲਵ ਹਟਾਇਆ, 1 0 ਲੱਗ ਗਈ, ਤਾਂ 1 ਘਨ ਮੀਟਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ? ਸਮਰੱਥਾ ਹੋ ਗਈ, ਆਇਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਇਤਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ? ਪਾਈ ਆਰ ਦੀ 2H, ਪਾਈ 22/7, ਆਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਐਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1, ਬਰਾਬਰ 154/10,000। ਆਰ ਦੀ 2, 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, 2 ਘਾਤ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ 2 ਘਾਤ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ 2 ਘਾਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 7 ਦੀ ਘਾਤ 2, 4 0 ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ 2 0 ਦਾ ਮਤਲਬ 100 ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਆਰ ਦੀ 2 ਬਰਾਬਰ, ਇਹਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਘਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਤੀ, 7/100, ਆਰ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਚਾਦਰ, ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਸ ਜਾਂ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਹੈ ਸਿਲੰਡਰਾਕਾਰ, ਬੇਲਨਾਕਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਕੁਸ਼ਚਨ ਡਬਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ, ਪਿਛਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਣ ਗਈ, ਪਿਛਲਾ ਟੌਪਿਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਚਾਦਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਚਾਦਰ? ਕੁੱਲ ਸਤਾ 'ਤੇ, ਖੇਤਰਫਲ 'ਤੇ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਚਾਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ? ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ, ਉਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਬੰਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ। ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਸਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ? 2πr h ਪਲੱਸ ਆਰ, 2π/7, ਆਰ ਆ ਗਿਆ 7/100, ਐਚ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 1। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇੱਥੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਡਬਲ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਆਇਤਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਤਾ ਵੀ ਆ ਗਈ, 7 ਨਾਲ 7 ਕੱਟ ਗਿਆ, 22 × 44/100। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਘੂਤਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ 1 ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 100 × 100, 44/100 ਗੁਣਾ 107/100। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ, 80 ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 4708/ ਇੰਨੇ ਵਰਗ ਮੀਟਰ। ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ 0.4708 ਆ ਜੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਡਰੋਪ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਰੋਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਆਇਤਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰਫਲ ਡਬਲ ਕੁਸ਼ਚਨ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਥੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਚਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੇਲਨਾਕਾਰ ਬਰਤਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਬੇਲਨਾਕਾਰ ਬਰਤਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਪਰਿਮਾਪ
132 सेंटीमीटर अते ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, अते ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन विच किन्ने लीटर पानी आ सकता है? आ क्वेश्चन आ गया की दिता है, पहला उसते गल करते हैं। सब तो पहला यह देता बेलन के आधार का परिमाप, बेलन के बेलन आ है, ये आधार से आ डायग्राम है, ये की है चक्कर। बिल्कुल, तो फिर आपां असल च की देता चक्कर का परिमाप 132 देता। परिमाप का मतलब असल च की होगा घेरा, 2πr चक्कर के परिमाप या घेर का फॉर्मूला यही होंगे। देखो सिर्फ एक दिता उन्होंने हल करी जाने आप, पाई बाई वटे सत आर ओमे दा ओमे, आर की कीमत कढ़नी है, ये उधर जाके उल्टा हो जाओ, निचली उपर हो जाऊगी उपरली नीचे, कटिया गया 2 × 2 = 66, 22 × 22 = 66, 7 × 21 सेंटीमीटर, तो जो अर्धव्यास आ गया 21 सेंटीमीटर आ गया। उदो बाद एक ऊंचाई आपां दे रखी है 25 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। देखो परिमाप दिता तो आपां नूं पता है परिमाप के फॉर्मूले नाल आपां इहनूं हल कर सकते हैं, आपां हल किया अर्धव्यास कट लिया, हुण दूजी आपां नूं का दे रखी है। इदों बाद की कहा, कहिंदे बर्तन च किन्ने लीटर पानी आ सकता है, बर्तन च पानी की हो गया इहदी समर्था होगी, इहदी कपैसिटी होगी, तो यह की हो गया बर्तन का आयतन, तो बर्तन के आयतन का की फॉर्मूला है, पाई आर दी 2h, पाई 22/7, आर किन्ने बार है 2 बार, 21 किन्ने बार आ गया 2 बार, 25, 7 × 7 7 × 21। हुण आपां गुणा करनी है 22 × 66, 66 दी पहला 21 नाल, 21 दा पहाड़ा याद होवे, नहीं कल्ले कल्ले कर लो तो उही है, अगर पहाड़ा याद है तो सौखा हो जाऊ, 21 × 6 = 126, 6 = 12, 21 × 126 = 12 = 138। हुण करनी है 25 नाल, कल्ला कल्ला आंदा वो तो आंदा ही है, जे 25 का पहाड़ा आंदा सीधा, 25 × 150 = 015, 25 × 8 = 200 = 215, 21 25 × 75 = 96, 9 25 × 9 = 34, तो यह हो गया 34,650 इकाई की चल रही है घन सेंटीमीटर, परंतु लीटर। रिजल्ट याद करो आपां कीता सी लास्ट लैक्चर च, एक लीटर दे विच 1000 घन सेंटीमीटर होंदा है, उरे घन सेंटीमीटर दिता होया आपां पुट्ठा जाना है, तो की कर देंगे वंड कर देंगे वटे 1000 लीटर, 3 पिछों जीरो दशमलव छड्डिया, तो 34,650 लीटर अपने को ले की आ गया, इसका क्वेश्चन आ गया। अगे चलते देखो दिता की है, क्योंकि थोड़ा जिहा टेक्निकल क्वेश्चनस ने तो थोड़ा ध्यान नाल लैके चलना है, फॉर्मूलिया का पता होना चाहिए, कि आपां नूं दिता है उसका पता होना चाहिए। क्वेश्चन है अगे, एक बेलन की पासवीं सतह का खेत्रफल 94.2 वर्ग सेंटीमीटर है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। पता करो, नंबर एक अर्धव्यास, आधार का अर्धव्यास, नंबर दो बेलन का आयतन, इत्थे मेंशन करता कि पाई नू 3.14 लेके चल, देखो जिथे जिथे मेंशन है सिर्फ उत्थे लेके चलना है, नहीं आपां 22/7 लेके चल रहे हैं। सब तो पहला की देता बेलन दी पासवीं या वक्र सतह का खेत्रफल 94.2 वर्ग सेंटीमीटर, यही देता ना। हुण बेलन दी वक्र सतह के खेत्रफल का की फॉर्मूला है, 2πrh, इनू बटेंच कर लो, दशमलव हटाता 2,
पाई दे रखे 3.14, दशमलव हटाया 100। आर नहीं पता, ऊंचाई पता है, आर ओमेगा में ऊंचाई कितनी है 5। जिहड़ी पाई दिंदे आ ना 3.14, पता क्यों दिंदे ने? ताकि क्वेश्चन सौखा हो जाए। हुण इह जिहड़ी रकम है आ संख्या इह ना कटूगी, इह तां दित्ती है। अगर तुसीं नूं 22/7 ना कहोगे हल नहीं होनी, क्वेश्चन देखियो कैलकुलेशन बहुत लंबी चली जाऊगी। इहनूं हल करदे आ, 5 ते कट्टिया गया 20, 2 × 2 = 10। हुण आर इह उधर जाके की हो गया, उल्टा हो गया, तां 314/10 की बन गया 10/314। एक कटूगा कटूगा, देखो ध्यान नाल, 3 आ गया, तो यह मतलब जेड़ा अर्धव्यास है किन्ना आ गया 3 सेंटीमीटर। पहला पार्ट अपना हो गया पूरा, पहला पार्ट पूरा हो गया। हुण आपां गल करनी है दूसरे पार्ट की। दूसरे पार्ट दे विच आपां नूं की कहा, बेलन का आयतन या घनफल या समर्था। की फॉर्मूला आयतन का? पाई आर दी 2h। पाई किन्नी है? 3.14, पॉइंट हटाया 314/100। आर 2 बार आ गया, 3 2 बार। एच किन्नी दे रखी है आपां नूं? 5। 5 × 5, 2 ते गया 10, 2 ते गया 157। तो देखो बचिया की अपने को, 157 × 3 × 3/10, 30 × 30 = 9। 157 की आपां 9 नाल गुणा करनी है, 9 × 7 = 63, 6। यह हल करके किन्ना आ गया? 1413/10 या 1.1 लग के की हो गया सेंटीमीटर। घनफल है घन सेंटीमीटर, तो आपां इहनू हल किया, अपने कोले हल करके किन्ना आ गया? 141.3 घन सेंटीमीटर। तो यह सी अपना सिलेंडर ते बेलन दे नाल संबंधित टॉपिक। मैं थोड़े जे फॉर्मूले रिपीट कर दिना, थोड़ा जा ध्यान च रह जूगा। बेलन या सिलेंडर अगर कुछ भी मैंशन नहीं किया, सिर्फ ये लिखे है, तो क्लीयर कट देखो, इतने दो गल्लां याद रखने। अगर बेलन लिखा गया, एक तो यह बंद है, नंबर 2 यह लंब चक्री है, ये गल ध्यान रखनी है। सब तो पहला आ गई है दी वकर सतह, पासवीं सतह का खेत्रफल की सी 2πRH, चक्कर का घेरा गुना उचाई। उस तो बाद आपां गल कीती सी कुल सतह के खेत्रफल की। की कहा सी? अगर मैं तुहानूं कहा सी चक्कर का घेरा उचाई ते अर्धव्यास का जोड़, परंतु अगर बिना ढक्कन तो देता, खुला देता, इहनूं बोलदे ने सतह का खेत्रफल। सतह तो कोई भी हो सकती है, यह भी सतह हो सकती है, पर इत्थे की होगा? मैंशन होगा खुला बिना ढक्कन तो। की फर्क पिया? पास भी तो उमें दी उमें आ गई, चाहे आपां इहनूं क्वेश्चन च नहीं वरत्या किसी क्वेश्चन च, पर एक नॉलेज लई होना चाहिए। 2πRH, एक आधार हो गया अपने कोले पाई आर दी 2। एक आपां कीता इहदा आयतन या घनफल पाई आर दी 2h, चक्कर का खेत्रफल, क्योंकि चक्कर के खेत्रफल से आप उचाई देने होने आ, गुना उचाई। तो यह सी दोस्तों अपना टॉपिक सिलेंडर या बेलन। थैंक यू।